स्वागत है आपका R&R पाठशाला में। मैं आज आपके लिए लाया हूँ संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। जो मित्र नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी जितने भी वीडियोज हैं वो आपको डायरेक्ट मिलते रहेंगे। मैं इस प्रकार के वीडियोज प्रतिदिन लेकर आता हूँ जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, अभिज्ञान में वेत्रवती है, अभिज्ञान शाकुंतलम में वेत्रवती है, तो ये है प्रतिहारी। वेत्रवती का वर्णन आया है तो ये कई बार प्रश्न आया है तो उसमें वेत्रवती जो है प्रतिहारी है। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो अभिज्ञान शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है पहचान। अगला प्रश्न देखिए, चारुदत्त किस प्रकार के नायक हैं, चारुदत्त किस प्रकार के नायक हैं, तो ये धीर प्रशांत प्रकृति के नायक हैं। नायक चार प्रकार के बताए गए हैं, धीरोदात, धीरोदत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। यहाँ पे जो चारुदत्त हैं वो धीर प्रशांत प्रकृति के नायक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हृदये गृह्यते नारी सूक्ति है, हृदये गृह्यते नारी सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये है मृच्छकटिकम से ली गई है। मृच्छकटिकम विशाख दत्त की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें से ये सूक्ति ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत में किस प्रकार की शैली का प्रयोग हुआ है, महाभारत में किस प्रकार की शैली का प्रयोग है, तो यह है पांचाली शैली का। महाभारत में पांचाली शैली का प्रयोग है। महाभारत के बारे में आप जानते हैं, महाभारत के तीन चरण माने गए हैं, जय, भारत और महाभारत। जो जय है वो 8800 श्लोक है उसमें, उसके बाद 24,000 श्लोक है जिसको भारत कहा गया, उसके बाद अब 1,00,000 श्लोक है जिसमें, तो वो महाभारत है और उसमें पांचाली शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नाटकों में प्रवेशक की भाषा होती है, नाटकों में जो प्रवेशक का प्रयोग होता है तो उसमें किस प्रकार की भाषा होती है, तो ये प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है प्रवेशक। अगला प्रश्न देखेंगे, भूत तथा भावी घटनाओं को बताने वाले को कहते हैं, भूत तथा नाटक में भूत और भावी घटनाओं को बताने वाले को कहते हैं विष्कम्भक, विष्कम्भक। अगला प्रश्न देखेंगे, उपरूपक है, उपरूपक कितने हैं, तो उपरूपक है 18। जैसा कि आप जानते हैं रूपक 10 हैं और उपरूपक जो है वो 18 हैं। नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, ये इस प्रकार इनके नाम हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकृति पुरुष विवेक ये किसका मूल है, तो ये है सांख्य दर्शन का। प्रकृति पुरुष विवेक जो है वो सांख्य दर्शन का मूल है, सांख्य दर्शन में इन्हीं तीनों पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, नियमन किसका प्रयोजन है, अर्थात नियमन कौन करता है, तो यह तमोगुण, तमोगुण जो है नियमन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संकेतित अर्थ कितने प्रकार का होता है, संकेतित अर्थ कितने प्रकार का होता है, तो यह चार प्रकार का, कौन कौन सा, जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा, जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा, ये चार प्रकार के संकेतित अर्थ कहे गए हैं। अगला प्रश्न देखें, गौर अनुबंध में किसका खंडन किया गया है, गौर अनुबंध काव्य प्रकाश में मम्मटाचार्य ने वर्णन किया है इसका, तो इसमें इन्होंने मुकुल भट्ट का खंडन किया है, मुकुल भट्ट का। अगला प्रश्न देखेंगे, भुक्तिवाद आचार्य हैं, भुक्तिवादी आचार्य हैं, तो ये है भट्ट नायक, ये भी काव्य प्रकाश में इसका काफी अच्छा वर्णन मिलता है, तो इसमें जो भुक्तिवादी आचार्य हैं वो भट्ट नायक हैं और इन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत भी दिया। कई बार वो प्रश्न भी आ जाता है कि साधारणीकरण के आचार्य कौन माने गए, किसने कहा, तो भट्टनायक और भुक्तिवादी कवि भी यही है। रस निष्पत्ति की जो चर्चा होती है काव्य प्रकाश में, उसमें भट्टनायक ने अपना विचार दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु से हिंदू ध्वनि परिवर्तन का कारण है, सिंधु से हिंदू जो परिवर्तन हुआ है वो कौन सा कारण है, तो वो है भौगोलिक कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा क्या है, तो यह श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है संस्कृत। अगला प्रश्न देखिए, रागह शब्द में प्रत्यय है, रागह शब्द में प्रत्यय है, तो यह घय प्रत्यय, घय प्रत्यय, घई च भाव कर्णयोः सूत्र से, घई च भाव कर्णयोः सूत्र से राग रंज धातु में घय प्रत्यय के राग बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मांडुक्य कारिका रचना है, मांडुक्य कारिका रचना किसकी है, गौड़पाद की है, गौड़पाद की। अगला प्रश्न देखिए, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण है, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण है, 9 वर्ण है, कौन कौन से, ए ई उ रील री ए ओ आई औ, ये अच प्रत्याहार में है जो 14 सूत्र दिए हैं
प्रारंभ में पाणिनि जी ने, उन्हीं में से ही जब हम ए ई उण रे लरिक ए ओं इस तरह जो लास्ट वाला वर्ण छोड़ देते हैं तो जो पहले पहले वर्ण होते हैं वो लेते हैं, इस प्रकार हम काउंट कर सकते हैं। बाकी प्रत्याहार में भी हम इस तरह बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मतिम अनतिक्रम्य क्या बनेगा? मतिम अनतिक्रम्य तो ये बनेगा यथा मतिम, जैसे शक्ति अनतिक्रम्य यथा शक्ति बनता है वैसे मतिम अनतिक्रम्य यथा मतिम, अनतिक्रम्य शब्द यथा के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, चित्रगुह शब्द में कौन सा समास है? चित्रगुह शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ है बहुव्रीहि समास, चित्रा गाओ यस्य सह, ये विग्रह होगा इसका, चित्रा गाओ यस्य सह चित्रगु बहुव्रीहि। तो आज के लिए इतना ही।